अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्ट ऑन डिमांड। आज हम बनाएंगे होममेड फालूदा सेब, जो बनाना बहुत ही आसान है और दो चीज़ों से बन जाती है। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को लास्ट तक देखें और रेसिपी को एंजॉय करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं होममेड फालूदा सेब। सबसे पहले हम पैन लेंगे, गैस अभी ऑफ है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप कॉर्नफ्लोर। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स करेंगे। एक लंप फ्री मिक्सचर तैयार करेंगे। 1/2 कप कॉर्नफ्लोर के लिए हम 2 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। हमने 1 कप पानी का यूज़ किया है, अब हम इसमें डालेंगे और 1 कप पानी, यानी हमने टोटल 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और कंटिन्यूसली चलाते हुए इसे 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। 1 मिनट के बाद देखिए इस तरह से लम्प्स बनना शुरू हो गए हैं, तो हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। 3 से 4 मिनट में ये मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है। गैस की फ्लेम को लो रखना है और लम्प फ्री मिक्सचर तैयार करना है। ये मिक्सचर वाइट हो गया है, अब हम इसे और थोड़ा पकाएंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट हो गया है और हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है 3 से 4 मिनट में। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे। इस तरह से हम एक सेव मेकर या चकली मेकर लेंगे और उसमें ये सेव की ब्लेड लगा देंगे और ये गरम गरम मिक्सचर हम इसमें डालेंगे। ये प्रोसेस बहुत जल्दी करना होता है। अगर मिक्सचर ठंडा हो जाए तो इसमें लम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और हमारी सेव अच्छी नहीं बनेगी और ये टूट जाएगी। अब हम लेंगे बर्फ़ वाला पानी। पानी बहुत ठंडा होना चाहिए। ये प्रिपरेशन हमें पहले से ही करके रखना होगी। ये प्रोसेस बहुत जल्दी करना होता है। अब हम इस तरह से मशीन को घुमाते हुए सेव बनाएंगे। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो ये बिना मशीन के भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये फालूदा सेव तैयार हो गई है, लेकिन इसे अभी बिल्कुल भी हाथ ना लगाए। इसे हम रखेंगे फ्रिज में 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद ये फालूदा सेव अच्छे से सेट हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी से फॉर्म हुई है। बस ध्यान इतना ही रखना है कि इस प्रोसेस को जल्दी जल्दी करना है और प्रिपरेशंस पहले से ही करके रखना है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इस तरह की बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप दूध की कैरी बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फालूदा सेब को हमने बिना मशीन के तैयार किया है। आप इसमें फूड कलर का इस्तेमाल करके कलरफुल फालूदा सेब भी बना सकते हैं। यहाँ हमने फालूदा ड्रिंक बनाने का बिल्कुल बेसिक तरीका शेयर किया है। हम लेंगे 2 कप दूध, जिसे हमने 2 टेबलस्पून शक्कर डालकर अच्छे से गर्म कर लिया और इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। दूध हमें बिल्कुल ठंडा लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भीगे हुए सब्जा के बीज, जिसे हमने 15-20 मिनट के लिए भीगने रख दिया था। अब इसमें ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा आपके टेस्ट के मुताबिक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे फालूदा सेब जो हमने तैयार किए हैं। बहुत ही आसानी से ये घर पर बन जाते हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल मार्केट जैसा ये बनकर तैयार होगा। कई वेरिएशंस के साथ ये फालूदा ड्रिंक को बनाया जाता है। इंशाल्लाह रमज़ान रेसिपीज़ में फालूदा ड्रिंक की स्पेशल रेसिपीज़ को ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।